आप बताओ ना फिर जरा आओ पहले ना चप्पल दो बताओ ये बोल दे जाओ ये जैसे समझा दो बैठ तो तू कहाँ जा रहे मैं तो यही खड़ा हूँ आप बैठ के बता दो इनको बोलूं भी सही क्या हाँ बोलो भी सही इसमें आ जाएगा फिर ये कॉटन जार के लिए बना रहे हैं रोटी या प्लेट बनाएंगे इसको हाथ से इसका करीब वजन है आधा किलो के आसपास है ज्यादा कटे को ज्यादा से आधा किलो आधा किलो नहीं 400 ग्राम 300 ग्राम है करीब ये ऐसे रोटी बनाते हैं प्लेट करते हैं उसके बाद सांचा जो है मोल्ड मोल्ड लेते हैं मोल्ड ऐसे बना करके इसके साथ डालते हैं ये बाय हैंड अब इसमें इस प्रोसीजर में थिकनेस डिफर हो जाती है हाथ का प्रोसीजर कहीं दबाव कहीं कम ज्यादा ये एक डिफिशियंसी है सल आ जाते हैं तो क्रैक्स के चांसेस रहते हैं ये जैसे देना प्लीज ये वो दिखा दो सल ये इस तरह से सल ऐसे आ जाते हैं तो ये क्रैक्स इसके कारण क्रैक्स आते हैं ये है ये अनइवन ये थिकनेस है इससे अनइवन थिकनेस प्रॉपर नहीं रहती वाल ठीक है ना ये थिकनेस यहाँ कम यहाँ ज़्यादा तो वो प्रॉपर थिकनेस नहीं आती ये प्रोसीजर में चेंज चाहिए इसीलिए इसीलिए इसकी मोटाई ज्यादा लेते हैं कुछ छीलना प्रोसीजर में ज्यादा तो समय ज्यादा लगता है इसमें इसकी सरफेस बनी रहे इसलिए ये ऐश कोल राख है इसको इसको पोरिंग करते हैं मिट्टी और इसकी राख है इसको भरते हैं इसकी मेन डिफिशियंसी क्या है कि ये इसमें जब निकलता है तो ये मिट्टी इसमें लग जाती है तो वो उसको प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने की नौबत में आ जाता है क्योंकि उसकी वाइटनेस में फर्क आता है मिक्स हो गया ना मटेरियल चेंज होता है अभी ड्राई करने के लिए इसको यहाँ से जैसे वहाँ बार बार जाओ ले लिया ना इसको फिर दूध में सुखाते हैं ले जा तो उमा आ गए वो तो एक दूध जाती है इसको धूप में सुखाया जाता है 24 से 36 घंटे 24 से 36 घंटे ऐसा कैसा सूखने को दिया जाता है उसके बाद निकाले वो बुआरे से निकालने के लिए मिट्टी लगा हुआ 24 से 36 घंटे बाद जब ये सूख जाता है तो इसके बाद से इसकी जो मिट्टी है ये निकाल लेते हैं निकालना शुरू निकाल उससे निकाल किससे निकाल हाँ ऐसे मिट्टी निकाल लेते हैं उसके बाद इसको इसमें जो ये मिट्टी है इसको ब्रश से साफ कर लेते हैं ये प्रॉपर साफ तो नहीं होता है कुछ मिट्टी रहेगी इसमें रह गया तो उसकी क्वालिटी डिफर हो जाती है वाइटनेस में फर्क आता है कोशिशें होती है तो यहाँ लेबर ज़्यादा लग जाती है साफ सूफ करने में ये पर इसको साफ करके ही काम में लेते हैं ये इस तरह से इसको साफ कर लिया जाता है फिर इसके अंदर इसको अंदर इसमें छिलाई करते हैं
सिलाई करती थी, सिलाई को बता दो कोई तरीका। पहले तो पेंडी को बता दो। हाँ ठीक है, वो लुक तो कराने के लिए चलना शुरू हो गया। चलोगे? हाँ चलाते हैं। पानी पानी ये इस पे ये पेंडी पेंडी लगाते हैं, पेंडी बोलते हैं, बॉटम लगाते हैं। ये ब्लू पॉटरी के पहचान है, इसको वैसे खुरजा में नहीं बनती है, ये पहचान है कि ये लगाने लगाते हैं, ये इसकी वास्तव में पहचान है। ब्लू पॉटरी की यही पहचान है, बाकी बाकी तो बनाते हैं। अब इसको भी काम करने वाला एक्सपर्ट चाहिए, वही कर सकता है, हर कोई नहीं करता है। किनोर तक ले ले, फिर बाद में डालेंगे। आगे बढ़ा थोड़ी सी, चलो ठीक। इस तरह से इसको इस एज तक लगाते हैं, सुखा देगा ठीक है। तो पूरी तो आने रहते है नहीं, पर फिर पेड़ पे बनाए जो बॉटम बनाते हैं व्हील पर, इसको बनाने के बाद फिर इसको सुखाने के लिए छोड़ा जाता है, जो 24 घंटे से 36 घंटे फिर इसके लिए वेट किया जाता है, ताकि फिर उसके बाद दोबारा प्रोसेस किया जाए। ये इसका जब पेंदी सूख के बाहर आ जाए वो निकलती है, उसको शेप देते हैं, उसके बाद इसको नेक्स्ट प्रोसेस सिलाई करते हैं थिकनेस को बनाने के लिए। थिकनेस कहीं ज़्यादा कहीं जब ढलाई में कम ज़्यादा हो जाती है तो उसको बराबर करने के लिए इसकी सिलाई की जाती है, उसको नमक किया जाता है। दिखना चाहिए ऐसे, इसको गीला नम कर दिया जाता है ताकि ये थोड़ी सी सरफेस कम हो जाए, उसके बाद इसको छील देंगे। एक टूल बना हुआ होता है, उसके हिसाब से छील लेते हैं। कुछ देर 5-10 मिनट के बाद दिखाओ, उधर मुंह कर ले इसको, फिर ये ऐसे छील धूप की तरफ, धूप धूप इधर आ रही है, धूप इसको गीला करने के बाद फिर इसकी सिलाई करते हैं इस तरह से, ताकि इसकी नीचे डाल दें, इसकी सिलाई करते हैं, ताकि इसकी जो मोटाई है बराबर हो जाए, दीवार की मोटाई बराबर करने के लिए, और इसमें कोई क्रैक या डिफेक्ट को हो तो सामने आ जाए। ये यहाँ से इसकी थिकनेस को मेंटेन करते हैं इसी तरह से इसमें, इसके बाद इसका बॉटम को भी इधर से इधर कोने इस बार से बॉटम को भी वही लेवल बना के लिए छीनते हैं। तो